रणजी ट्रॉफी में आज सुबह पंजाब ने दिल्ली को 10 विकेट से रौंद दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ये मैच खास टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह के लिए था। आपको बता दें कि युवराज सिंह की उम्मीदें रणजी ट्रॉफी के पंजाब के बचे हुए 3 मैचों से थी। ऐसे में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट था कि युवराज इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करे। हालांकि युवराज ने ज्यादा बल्लेबाजी नहीं की क्योंकि पंजाब ने दूसरी पारी में कुछ खास स्कोर बना दिया था। इस वजह से दिल्ली को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पहली पारी में दिल्ली 107 रनों पर सिमट गई, जिसके जवाब में पंजाब की पारी 96/3 हो गई थी। इसके बाद युवराज ने कप्तान मनदीप सिंह के साथ मिलकर एक बेहतरीन 70 रनों की साझेदारी की। ये साझेदारी इसलिए भी अहम थी क्योंकि दिल्ली में रन बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से भारतीय टीम में युवराज की वापसी को लेकर भी कई तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि युवराज ने 24 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर उन्होंने 88 गेंदों का सामना किया, पिच पर टिक के खेले और दिखाया कि उनमें क्या कैलिबर है। अगर युवराज सिंह यहां पर और अगला बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो 18 दिसंबर को होने वाली नीलामी में युवराज सिंह की एंट्री तय है। देखना दिलचस्प होगा कि युवराज सिंह अब आगे किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल 10 विकेट से हरा दिया है पंजाब ने दिल्ली को रणजी ट्रॉफी में। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।